गुजरात के सूरत में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, तो वही हजारों की तादाद में लोग अस्पतालों में अपना इलाज भी करवा रहे हैं। कोरोना को लेकर सूरत शहर में उत्पन्न हुई इस भयावह परिस्थिति के बीच शहर के एक कारोबारी ने अपनी ऑफिस को ही कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया है। देखिए गुजरात तक की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूरत शहर के अडाजन पाटिया इलाके में रहने वाले कारोबारी कादर भाई शेख ने तकरीबन 30,000 स्क्वायर फीट में बनी अपनी ऑफिस को बंद करके यहाँ कोविड अस्पताल बना दिया है। इस अस्पताल को कादर भाई शेख और उनके दो बेटों ने मिलकर 20 दिनों में तैयार किया है। 100 बेड वाले इस अस्पताल में 10 ICU बेड है, जबकि 90 ऑक्सीजन बेड भी तैयार किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरत के कारोबारी कादर शेख ने अपनी ऑफिस को कोविड अस्पताल में क्यों तब्दील किया है, तो हम आपको बता दें कि कादर भाई शेख भी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनका भाई भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। कादर भाई ने तो कोरोना को हरा दिया, मगर उनके भाई को शहर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज का बिल 12 लाख रुपए भरना पड़ा था। बस यही से कादर भाई ने सोच लिया था कि उनकी क्षमता तो थी 12 लाख रुपए निजी अस्पताल को चुकाने की, मगर जो गरीब है उनका क्या होता होगा। यही सोचकर कादर भाई ने कोरोना से संक्रमित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी ऑफिस को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा भाई जो था उसको आ गया था, और वो हॉस्पिटल में हमने 12 लाख रुपए का जब बिल चुकाया ना, तभी हमको ऐसा लगा कि जो बाकी के गरीब लोग हैं वो कैसे इसको बिल चुकाते होंगे। इसलिए हमने इसको यही सीजन में युद्ध धोरण पे हमने इसको काम चालू करके पूरा किया, ताकि लोगों को इसकी सेवा मिले और लोग ऐसे पैसे देने से बचे। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे डायबिटीज़ भी है, मेरे को एक बार अटैक भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यही शहर से हमने बहुत कमाया था, इसी शहर पे हमने वापस लिया। आज हम बहुत हैप्पी है कि हॉस्पिटल चालू हो जाए जल्दी, लोग यहाँ से अच्छे होके जावे, बस वो हमारी कुदरत से प्रार्थना है। सूरत के कारोबारी कादर भाई शेख द्वारा अपने ऑफिस में तैयार किए गए इस कोविड-19 अस्पताल का इनॉग्रेशन गुजरात BJP के अध्यक्ष CR पाटिल ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर बंसा निधि पानी सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सूरत के इस कारोबारी की पहल को BJP अध्यक्ष CR पाटिल ने भी सराहा है। कादर भाई शेख है, उन्होंने अपनी जगह में अपने खर्चे से 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, अद्यतन बेड है, ऑक्सीजन तक की सुविधा उन्होंने खुद की है, और उन्होंने महानगर पालिका को फ्री में उसको समर्पित किया है। 11 महीने तक या वो चाहें तब तक उन्होंने फ्री में हॉस्पिटल उनको समर्पित कर दिया है। यहाँ स्टाफ, मेडिसिन, वेंटिलेटर की उसकी व्यवस्था महानगर पालिका करेगी, बाकी जो व्यवस्था है उसको पेशेंट को खाना वगैरह वो और कोई पार्टी की ओर से उनके लिए करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा एक सूरत में 100 बेड की आज उपलब्ध हुई है। अनलॉक 1 के बाद सूरत शहर में सभी काम धंधे शुरू हुए हैं, और इसके बाद ही कोरोना के केसों में बढ़ोतरी आई है। हालात यह है कि सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों से फुल हो गए हैं। ऐसे में कादर भाई शेख की यह पहल कोरोना के मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।